हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो नए साल की पहली रेसिपी में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं नए साल पे बहुत ही अलग नाश्ता। ये बहुत ही चटपटा होने के साथ साथ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही पौष्टिक है क्योंकि हम इसे शिमला मिर्च से बना रहे हैं और शिमला मिर्च का नाश्ता जो होगा उसे वो लोग भी पसंद करेंगे जो लोग शिमला मिर्च नहीं खाते हैं और अवॉइड करते हैं शिमला मिर्च को खाना, और आपसे आप मांग मांग के खाएंगे ये शिमला मिर्च का नाश्ता। ये मेरा दावा है कि ये नाश्ता बहुत ही हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और ऐसा तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही यूजफुल है आप लोगों के लिए क्योंकि इस तरह से जब आप नाश्ता बनाएंगे तो खाने वाला और खिलाने वाले दोनों को मजा आएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए जो जो चीजें मैंने इस्तेमाल की वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो मैंने लिया है 250 ग्राम शिमला मिर्च और फिर इसके बाद हमने लिया है मीडियम साइज के आलू जो 5 है और उसको उबाल कर अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। फिर हमारा यहाँ 4 चम्मच बेसन है छोटे और इधर हमने फ्रेश हरा धनिया लिया है। तो सबसे पहले हम शिमला मिर्च को कट करेंगे। तो शिमला मिर्च को हम कट करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा उसका ऊपर का पोर्शन को निकालना है, ज्यादा नहीं कट करना है। और इस तरह से हमने देखिए निकाल लिया है और इस तरह से देख सकते हैं आप। अब इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से कट कर लेंगे इस तरह से, और अब इसके बाद इस इधर का भी हम थोड़ा सा साइड निकाल लेंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं कट करना है, बस तो थोड़ा सा कट करना है और इस तरह से हम सारे शिमला मिर्च को कर लेंगे, आगे और पीछे दोनों कट करेंगे। तो मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसका आगे पीछे का निकाल लिया है और अब हम इसे बीच से कट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको बीच से कट कर लेंगे, बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा, कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसके बीज का ये जो पोर्शन बीज वाला है इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए इजीली निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूसरे वाले का भी हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम अपने सारे बीज से कट करके बीज निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने निकाल लिया है और अब हम इन सब का भी निकाल कर दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने सारे पे बीज को निकाल दिया है और बीज से कट कर लिया है, तो ये रेडी हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं गैस की तरफ और बनाते हैं फटाफट बहुत ही चटपटा नाश्ता। तो फ्रेंड आ गए हैं हम कढ़ाई पर और अब हमने एक मोटे तले की कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई जो हमारी गर्म हो जाएगी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। इस तरह से 2 चम्मच ऑयल मैंने डाल दिया इसके अंदर। जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें कुछ ऐड करेंगे। तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच छोटा जीरा और जीरा डालने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हींग। और जब ये अच्छी तरह से चढ़कने लगेगा तो हम इसे चला देंगे। तो दोनों चीज़ें अच्छी तरह से तड़कनी जरूरी है तभी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और अब इस जगह पर हम अपना बेसन डाल देंगे जो 2 चम्मच है, और बेसन डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। तो हमने 2 चम्मच बेसन डाला है जिससे बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनेगा। और इस तरह से बेसन को डालकर हम हल्का सा भून लेंगे। तो 2 चम्मच मैंने बेसन ऐड किया है। तो बेसन इस तरह से जब बिल्कुल झाग देने लगे तो समझ जाइए बेसन भुन गया है हमारा, और ज़्यादा लाल नहीं करना है बेसन को। अब इस तरह से बेसन जब भुन गया है तो हम इसमें अपने उबले हुए आलुओं को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने मिला लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बेसन की। और इस नाश्ते में बेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आप जरूर डालिएगा। इससे जो आलू होगा हमारा ये अच्छी तरह से बिल्कुल सूखा सूखा स्टफिंग तैयार होगी और बहुत ही मज़ा आएगा नाश्ते में। और अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करने से पहले इसमें हम डाल देंगे नमक। तो हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल दे रहे हैं और नमक डालकर मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हम क्या क्या ऐड करते हैं वो आपको बताएंगे। 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर 1/2 चम्मच, और अब इसमें जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला, और अब इसमें जाएगी लाल मिर्च 1 चम्मच, और अब इसमें जाएगा एक बहुत ही सीक्रेट मसाला जिसको हम डालेंगे तो बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा। तो इसमें अब हम डालेंगे कुटी हुई धनिया। तो फ्रेंड कुटी हुई धनिया डालिएगा इस तरह से दरदरी। और अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे कस्तूरी मेथी, और 2-3 दाने हमने इसमें मेथी के लिए हैं, और इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे।
तो ये मसालों के साथ अगर आप स्टफिंग बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होगी। और इस स्टफिंग का जो है प्रयोग किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, आप इसके समोसे भी बना सकते हैं, आप इसका कुछ और नाश्ता भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। और इस तरह से देखिए बिल्कुल नीचे से छोड़ने लगे तेल, तो समझ जाइए बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया हमने बनाया है। अब इसमें हम डालेंगे अपना फ्रेश कटा हुआ धनिया जो हमने कट करके रखा था, बड़ा बड़ा यानी मोटा मोटा, और ज़्यादा बारीक धनिया इसमें मत डालिएगा। और धनिया डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए धनिया डालने से कितना अमेजिंग फ्लेवर आ रहा है और मुँह में बिल्कुल मेरे पानी आ गया है। बहुत ही टेस्टी लग रहा है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। और अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तीखापन, और मुझे पसंद है तो मैं इसे कट करके मिर्च डालूंगी 3-4। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो आप मिर्च मत डालिएगा। तो इस तरह से मैं मिर्च डाल दे रही हूँ और मिर्च डालने के बाद हम इसे लास्ट बार मिक्स कर देंगे और स्टफिंग हमारी मज़े की तैयार हो गई है। और अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार स्टफिंग है और आप इस स्टफिंग को ऐसे भी पराठे के साथ भी खा सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग नाश्ता बनने वाला है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये नाश्ता आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो मैं गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। ठंडा करके मैं इसे प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड मैंने स्टफिंग निकाल ली है और इस तरह से हल्का सा ठंडा हो गया है। अब मैं छू सकती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा आपको नहीं करना है। और इधर हमारे ये भी रेडी हैं। अब इसके बाद हम अपनी स्टफिंग को लेकर इसके अंदर अच्छी तरह से भरेंगे। तो इस तरह से ले लेंगे हाथ में और अच्छी तरह से एक पेड़ा बना लेंगे इस तरह से। और अब इसके बाद इसके अंदर इस तरह से अच्छी तरह से भर देंगे। तो बहुत ही आसानी से भर जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। इस तरह से देख सकते हैं आप, परफेक्ट तरीके से मैंने इसमें अपनी स्टफिंग को भर दिया है। और अब मैं इसे रख दूंगी एक अलग बर्तन में इस तरह से। तो पहला मेरा रेडी हो चुका है और इसी तरह मैं अपने सारे बना लूंगी। तो बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। इस तरह से लीजिएगा और हल्का सा गर्म गर्म ही भरिएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा फुल भर दीजिएगा इस तरह से। और स्टफिंग आप खूब अच्छी तरह से भरिएंगे तभी ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये देखिए दूसरा वाला भी मैंने अच्छी तरह से भर दिया है। तो देखा आपने, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। और इसी तरह मैं अपने सारे भर लूंगी फिर आपको दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है ये नाश्ता बनाना और खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जो शिमला मिर्च का जो फ्लेवर आएगा इसमें बहुत ही अमेजिंग आएगा। इसी तरह मैं अपने सारे बना के रख लेती हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने भर लिए हैं और बाकी बचे मैं बाद में भरूंगी, पहले मैं इसे बनाने शुरू कर देती हूँ। तो चलते हैं गैस की तरफ और इसे फटाफट बनाते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से भर गया और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। और इसे किस तरह से बनाना है कि बहुत ही टेस्टी बने, चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड मैंने एक पैन ले लिया, मैं इसे पैन में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत ही कम ऑयल में ये नाश्ता बन जाता है। तो हम इसमें एक चम्मच बस तेल डालेंगे, एक छोटा चम्मच। और इस तरह से मैंने चम्मच से तेल डाल दिया है। और जब हमारा तेल इस तरह से हम कर लेंगे थोड़ा सा ताकि अच्छी तरह से ग्रीस हो जाए हमारा पैन। और इस तरह से देखिए ग्रीस हो गया है, मैंने अच्छी तरह से फैला लिया है। और अब तेल को हल्का सा करेंगे गरम। तो तेल हमारा हल्का सा हो जाएगा गरम तो हम अपने नाश्ते को इस तरह से रख देंगे। तो इस तरह से रखते जाएंगे और शुरुआत में आपको इसे नहीं चलाना है जब तक कि एक तरफ से क्रिस्पी नहीं हो जाता है। तो अब हम इसे ढक्कन लगाकर कम से कम 10 मिनट तक पकने देंगे। तो इस तरह से कोई भी ढक्कन आप लगा दीजिएगा जो आपके पैन पर अच्छी तरह से फिट हो जाए। तो इस तरह से ढक्कन मैंने लगा दिया है और इसे अब हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर कम से कम 5 मिनट बाद पलटेंगे खोलकर। तो 5 मिनट तक आप इसे भूल जाइए, तब तक आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको इसे 5 मिनट कुक करना है, फिर उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। तो फ्रेंड ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि जो शिमला मिर्च होता है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन बच्चे से बड़ों तक कई लोगों को शिमला मिर्च पसंद नहीं होता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, खा सकते हैं, अपने फैमिली वालों को खिला सकते हैं, सबको हेल्दी रख सकते हैं। और जाड़ों में तो बहुत ही अच्छे अच्छे शिमला मिर्च आ रहे हैं तो आपका मन करता होगा। तो इस तरह से नाश्ता बनाइए, सभी को शिमला मिर्च का नाश्ता ये बहुत ही पसंद आएगा। नाश्ता पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा।
और इस तरह से हम इसे पकने देंगे 5 मिनट तक दो फ्लेम पर। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं और आइए अब अपने हम ढक्कन को खोल लेते हैं। तो इस तरह से हम बिल्कुल हल्के हाथों से हटाएंगे क्योंकि भाप बहुत जल्द निकली हुई। इस तरह से देख सकते हैं आप हमारा नाश्ता एक कलम से पक गया होगा। अब इसे हम टर्न करेंगे। तो टर्न करना बहुत ही आसान है। इस तरह से देखिए ये कितना क्रिस्पी और कितना बढ़िया तरीके से कुक हो गया है। और अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे तो पीछे से एक साइड से हम इसे बहुत ही क्रिस्पी बनाएंगे। और अब इसके बाद ये वाला भी पलटेंगे। तो ऐसा नहीं कि पलटने पे आलू बाहर आ रहा है, जब आप इसको अच्छी तरह से एक तरफ से कुक कर लेंगे तो ये और इस तरह से देखिए शिमला मिर्च सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। और अब इसे हम ढक्कन लगाकर 5 मिनट इस तरह से भी पका लेंगे। तो फ्रेंड दूसरी तरफ से पकने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, 3-4 मिनट लगेंगे इसे, 5 मिनट नहीं लग सकता क्योंकि एक तरफ से ये बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल जूसी बन गया है। बहुत ही अच्छा लगता है शिमला मिर्च का ये नाश्ता। और इसे हम दूसरी तरफ से भी कुक होने लेंगे। तो फ्रेंड 3 मिनट हो चुके हैं ढक्कन को खोलकर, दूसरी तरफ से भी हम देख लेते हैं कि ये पक गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका है। इस तरह से टर्न करके देख सकते हैं आप और ये देखिए। और बिल्कुल 1 चम्मच ऑयल ने हमने इसे बनाया है और कितना मज़ेदार लग रहा है। और इसे अब हम अच्छी तरह से इस तरफ से भी पलट देंगे तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत। तो फ्रेंड ये दूसरी तरह से भी मैंने टर्न कर दिया, देखिए कितनी अच्छी तरह से पक गया है। और इस तरह से देख सकते हैं आप कि बहुत ही कम ऑयल में मैंने इसे बनाया है। और इस तरह से देखिए इसको मैं छू के देख रही हूँ तो इस तरह से बिल्कुल बहुत जल रहा है, इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है शिमला मिर्च, यानी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ और गैस के फ्लेम को कर दूंगी बंद क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से अब कुक हो चुका है। और गैस के फ्लेम को बंद करके मैं आपको इसे प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितना टेस्टी लग रहा है। तो इस तरह से जब आप शिमला मिर्च का नाश्ता बनाएंगे तो लोग आपसे मांग मांग के खाएंगे शिमला मिर्च का नाश्ता। और ये बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आप इसे बना सकते हैं और 2-3 दिन तक खा सकते हैं क्योंकि फ्रिज में रखने से ये खराब नहीं होगा क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं हुआ है। तो ये नाश्ता जल्दी खराब होने वाला नहीं है, आप इसे फ्रिज में रख के 4-5 दिन आराम से खा सकते हैं। तो इस तरह से जब बनाएंगे तो शिमला मिर्च को जो लोग नापसंद करते हैं वो भी आपसे ये नाश्ता मांगकर खाएंगे। तो मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने निकाल लिया है, कितना अमेजिंग लग रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार। इस नाश्ते को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस नाश्ते को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट आलू बिल्कुल भी बाहर नहीं आया है और इस तरह से हमने बना लिया है। और इसी तरह बनाइए, खाइए और सर्दियों का मजा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। इस तरह से शिमला मिर्च का नाश्ता आप रजाई में बैठ के खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत ही कम ऑयल ने बनाया है।